स्टडी करेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन क्या होगा, डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशंस कितने तरह के होते हैं, और जो बेसिक क्वांटिटीज हैं उनसे डिराइव्ड क्वांटिटीज कैसे रिलेट होती हैं, ये हम लोगों ने पिछली बार स्टडी किया। और एक एप्लीकेशन हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वो था यूनिट का कन्वर्शन, एक तरह की यूनिट को दूसरी तरह के यूनिट में बदलना। आज हम दूसरा इसका एप्लीकेशन देखते हैं, और ये एप्लीकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही नेसेसरी है। व्हाई इट इज़ सो नेसेसरी, क्योंकि ये हम चेक करने वाले हैं कोई भी फिजिक्स का रिलेशन, कोई भी फिजिक्स का फॉर्मूला जो हमको दिया जाता है, वो फॉर्मूला करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। इसकी एक फंडामेंटल कंडीशन होती है, और वो फंडामेंटल कंडीशन चेक करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प लेते हैं। किस तरह से? जैसे हमने एक फॉर्मूला आपको दिया कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव कर रहा है तो उस पर एक फोर्स काम करता है सेंटर की तरफ, बिना उस फोर्स के वो अपना डायरेक्शन मोड़कर सर्कल में नहीं घूम सकता। वो जो फोर्स है जो उसको सर्कुलर बनाता है, वी कॉल इट सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इसका फॉर्मूला हमको दिया किसी ने बना के, कि ये जो एफ है ये है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जिसमें एम वो घूमने वाली बॉडी का मास है, वी उसकी वेलोसिटी है, स्पीड है, और आर वो रेडियस है जिस सर्कल में वो घूम रहा है। तो ये फॉर्मूला एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंट हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये फिजिक्स के अनुसार करेक्ट है भी कि नहीं। किस चीज का हम लोग चेकिंग करते हैं? तो आंसर पे ध्यान दीजिए, हम इस चीज की चेकिंग करते हैं कि 5 मीटर कपड़े को अगर हम फाड़ेंगे तो एक टुकड़ा 3 मीटर होगा, दूसरा भी 2 मीटर होगा, एक पीस 3 मीटर और दूसरा पीस 2 kg नहीं हो सकता। दिस इज विच प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनियटी। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनियटी है, ये हमें क्या बताता है? दिस टेल्स अस दैट एवरी टर्म ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन, every term of a physical equation should have same dimensions, ठीक है? क्योंकि अगर आप length को divide करेंगे तो length और length ही आएंगे, weight को divide करेंगे तो weight और weight आएंगे, time को divide करेंगे तो time और time आएगा। 20 second के 2 हिस्से कर दीजिए 15 और 5, तो ये 15 और 5 second ही होने चाहिए। उसमें किलोग्राम, सेल्सियस, केल्विन, मीटर नहीं हो सकता। बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है। ओके, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनियटी, और इसी से ही हम इसको चेक कर लेंगे। हमारे पास इसमें ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है। अब इसमें एक शब्द आ रहा है बार बार, टर्म। टर्म के लिए याद रखिए, व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग एम with v, again multiply with v, divide with r, then this complete makes one term. तो term हम किसको कहते हैं? Term हम उसे कहते हैं जैसे s is equal to ut plus half a t square. This plus and here is another plus, here is another plus. This one between plus to plus is one term. This is one term and this is one term, इस तरह से। तो टर्म आपको कैसे पहचानने हैं? एक प्लस से माइनस तक बीच में जितनी भी क्वांटिटीज हैं, ये सब मिलाकर, whether they are multiplication or division, ये सब मिलाकर क्या बनाते हैं? वन टर्म। इस तरह से ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और ये भी एक टर्म है, अकेला है तो भी ये एक टर्म है। तो याद रखिए, दिस इज व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म। ओके, नाउ डायमेंशंस आप लोग जानते हैं, होमोजेनियटी प्रिंसिपल आप जानते हैं, नहीं तो पिछले लेक्चर को आप रेफर करिए। होमोजेनियटी, ऑल द टर्म शुड हैव सेम डायमेंशंस। अब हमको एक इस तरह का इक्वेशन दिया गया है,
और हमें ये चेक करना है वेदर दिस इज करेक्ट. क्या हम वाकई इसे चेक कर सकते हैं? इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं. जैसे क्या फिजिक्स में ऐसा होता है, होता है या नहीं होता है, इसको हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं बता सकते. वी कैन नॉट चेक. दूसरा, किसी किसी इक्वेशन में कहीं कांस्टेंट आते हैं तो उस कांस्टेंट के बारे में भी हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं बता सकते. जैसे टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज 2π √L/g. ये 2π एक कांस्टेंट है. ये 2π कम होना चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, इसकी क्या पावर होनी चाहिए, ये हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं बता सकते. लेकिन हम डायमेंशनल एनालिसिस से चेक क्या करते? आंसर है, हम ये चेक करेंगे कि ये एक टर्म और ये एक टर्म, इन दोनों की डायमेंशंस एक होनी चाहिए, क्योंकि ये फंडामेंटल कंडीशन है. अगर यही एक नहीं होगी तो ये इक्वेशन बिल्कुल गलत है. ठीक है, तो ये प्रिलिमिनरी कंडीशन है. ये अगर ठीक होगी तो फिर हम बाकी चीजें भी देखेंगे. ये गारंटी नहीं है कि बाकी सब चीजें भी ठीक होंगी, पर ये तो फंडामेंटल कंडीशन है. अगर यही ठीक नहीं है तो इक्वेशन बिल्कुल ठीक नहीं है. ओके, तो इसको किस तरह से करना है? तो इसको हमारे जो स्टेप्स हैं, पहला स्टेप होगा डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. किसकी लेफ्ट हैंड साइड? जो भी फॉर्मूला हमको चेक करने के लिए दिया गया, सपोज दिस इज द फॉर्मूला जिसको हमने चेक करना है. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? फोर्स. फोर्स, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? आंसर है, फोर्स की डायमेंशन है MLT-2. ओके, अब राइट हैंड साइड लेते हैं, RHS डायमेंशंस. RHS में MV² / R. M की डायमेंशन मास, L और T इसमें नहीं है. V की डायमेंशन LT-1 और पूरे की डायमेंशन 2 है, तो इस पूरे की डायमेंशन हम 2 लिख लेते हैं. R इज रेडियस ऑफ रोटेशन, और रेडियस ऑफ रोटेशन किसकी डायमेंशन रखता है? लेंथ की. सो दिस वी कैन राइट एज डायमेंशन ऑफ लेंथ. सो तब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ML^2 T-1 × 2 − 2/L. 1L is cancelled, so this is MLT-2. Now dimensions of left hand side and dimensions of right hand side are equal, so we can declare that this formula is dimensionally correct. Since dimensions of left hand side and right hand side are same, this relations is dimensionally correct. Done. तो ये हमें पता लगा. अब हमें एक और इक्वेशन दिया गया, एक और एग्जांपल करते हैं. देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज इक्वल टू 4π² T² / L, वेयर L इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम, T is time period of oscillation of the pendulum, G is acceleration due to gravity. ये हमको दिया गया है, G acceleration due to gravity, T time period of oscillation, L length. Okay, तो हमने शुरू किया LHS dimensions. Dimensions of LHS.
LHS में कौन है? G. Now G is acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity की dimension क्या लेनी है? तो इसका आंसर है कि acceleration gravity के कारण हो, electrical force के कारण हो, magnetic force के कारण हो या किसी के कारण भी हो, है वो acceleration. That is velocity per unit time. Change in velocity per unit time. इसलिए acceleration का reason कुछ भी हो, उसकी डायमेंशन एक्सेलरेशन की डायमेंशन ही होंगी. इसलिए इसे हम क्या लेंगे? एल टी माइनस टू. ठीक है. अब आरएचएस की डायमेंशन देखिए. राइट हैंड साइड 4π² हैज नो डायमेंशन. 4 की कोई डायमेंशन नहीं होती है. पाई इज अगेन ए नंबर, 22/7, उसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती है. तो जब कोई डायमेंशन नहीं होती है तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए. डायमेंशन नहीं है तो हमें जीरो नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, दैट मींस वन लिखना है. तो ओके, तो इसे हम कुछ नहीं लिखेंगे, दैट विल बी वन. जीरो नहीं लिखना है. तो राइट हैंड साइड डायमेंशंस, टाइम पीरियड दिस इज ओनली टी. टू डायमेंशंस एल, वन डायमेंशन in denominator, that will be minus 1. So this is L minus 1 T plus 2. Now अब इन दोनों को हम मैच करते हैं, देखते हैं ये तो प्लस 1 है, ये माइनस 1 है, ये माइनस 2 है और ये प्लस 2 है. सो दिस डज नॉट मैच. तो हमने क्या बताया? दिस फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट. ओके. फिर वो स्टूडेंट आता है कि सर इसमें थोड़ा गलती हो गई है, वी हैव रेक्टिफाइड इट. एक्चुअली जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी. तो ये दूसरा फॉर्मूला उन्होंने बनाया, जी इज इक्वल टू 4π² एल अपॉन टी स्क्वायर. ठीक है. अब हमने इसको करके देखा. सो नाउ वी गेट डायमेंशंस ऑफ दिस. डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2 और इसकी डायमेंशन देखिए L upon T2. This has got dimensions. दिख रहा है clear? L T minus 2. This dimension and this dimension. This is left hand side and this is right hand side and they are equal to each other. So this formula is correct. इस तरह से ये formula ऐसा बनेगा. इसी तरह से और भी दूसरे formulas हम check कर सकते हैं, जैसे mass. According to Einstein's relation, mass of a body under velocity is equal to rest mass divided by root 1 minus V upon C square. C is velocity of light, V is velocity of this body which is moving. तो जब भी कोई body move करती है उसके mass में change हो जाता है. मास में चेंज हो जाता है बेसिक प्रॉपर्टी में. दिस इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. जो मास में चेंज होता है ये उसका मास है जब ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये वो मास है जब उसकी वेलोसिटी जीरो थी. वी कॉल इट रेस्ट मास. ये वेलोसिटी है इस बॉडी की और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट. ये रिलेशन है. तो ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है? जैसे जैसे v की वैल्यू बढ़ती जाएगी हम देख रहे हैं ये मास बढ़ता जाएगा. और यही होता है. आइंस्टाइन का कहना है कि अगर ये वेलोसिटी किसी बॉडी की बढ़ती जाएगी तो उसका मास भी बढ़ता जाएगा. दिख रहा है वेलोसिटी बढ़ती है मास बढ़ता है, डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है. लेकिन ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं इसको चेक करते हैं. तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस, मास, इसकी डायमेंशन हमने क्या ली? एम वन, लेंथ नहीं है, टी भी नहीं. राइट हैंड साइड की देखिए डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, एम एम जीरो की, एम डिवाइडेड बाय वन, नो डायमेंशन. V, V has dimension L T minus 1. C, C is again velocity of light. Velocity of light ka square. To velocity ka fir se L T minus 2 aur iska square.
जिसको हमने किया, दिस इज एम अपॉन सिंप्लीफाई करने से डायमेंशंस 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 एल टी माइनस वन, और यहाँ पर एल सॉरी वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या लेनी है, एल टी माइनस वन और उस पूरे का स्क्वायर ऐसा। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर एल टी माइनस वन की पावर 1 है, यहाँ एल टी माइनस वन की पावर 2 है, तो एक एल टी माइनस वन यहाँ बच गया। इसको और सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे ये इसके ऊपर आ जाएगा हाफ, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। अब ये इसके ऊपर आ जाएगा हाफ यहाँ पर, एंड दिस विल बिकम एम एल हाफ इंटू टी, दिस विल बी अगेन माइनस हाफ आर एच एस। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड, एंड दे आर नॉट मैचिंग, सो दिस फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट। ओके, देन देर वॉज ए करेक्शन। कैसे करेक्शन हो सकता है ये भी हमसे पूछा जा सकता है, कैसे करेक्शन हो सकता है। तो यहाँ मास के साथ एल और टी नहीं आने चाहिए, जीरो जीरो इट शुड नॉट बी देयर, लेकिन यहां पर ये पूरा कैंसल नहीं हो रहा, इतना बच रहा है। व्हाट वी वांट, इट शुड कैंसल आउट कंप्लीटली। अगर कंप्लीटली कैंसल आउट होना है तो उसका तरीका क्या है, दिस शुड बी टू। अब ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और क्या बचेगा, एम, दैट मीन्स दिस शुड बी टू। तो हमारा करेक्ट फॉर्मूला क्या होना चाहिए, मास व्हेन द बॉडी इज विद वेलोसिटी इज इक्वल टू रेस्ट मास डिवाइडेड बाय रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एंड एक्चुअली दिस इज द आइंस्टाइन्स रिलेशन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इसे आप देखिए, कहीं पर भी कोई भी फॉर्मूला फिजिक्स का है तो डायमेंशनली वो सेटिस्फाइड होगा, हर टर्म उसकी एक जैसी ही डायमेंशंस रखेगी। अब अगर हर टर्म की डायमेंशन एक जैसी है तो इस प्रिंसिपल को लेके हम दूसरे बहुत तरीके के न्यूमेरिकल बना सकते हैं। उसके न्यूमेरिकल्स के कुछ एग्जांपल्स देखिए, वो मैं आपको बताता हूं। देयर इज ए क्वांटिटी एक्स विच इज एक्सप्रेस्ड एज ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वेयर प्लस डी अपॉन ई माइनस टी। ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें एक्स के पास लेंथ की डायमेंशंस है। एक्स हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ एंड टी हैज डायमेंशंस ऑफ टाइम। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बी सी डी एंड ई, इन सब की डायमेंशन हमको पता लगानी है। ओके, इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनेगा, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनियटी। व्हाट इज दैट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनियटी, इन एनी फिजिकल इक्वेशन एवरी टर्म विल हैव सेम डायमेंशंस। अब इसके लिए सबसे पहले कैसे इसको अप्रोच करना है, वी नो द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनियटी, डायमेंशंस में हम इसको ही यूज करते, दैट इज द ओनली वन कंडीशन वी यूज। ओके, सो हमारा पहला स्टेप है, इसमें से एक ऐसी डायमेंशन, एक ऐसी क्वांटिटी को ढूंढना जिसकी डायमेंशंस हमको पता है। इज देयर एनी क्वांटिटी हुज डायमेंशंस आर नोन टू अस, आंसर इज यस। दिस नॉट नोन, दिस इज नॉट नोन, दिस इज ऑल्सो नॉट नोन, पर ये एक टर्म ऐसी है जिसकी डायमेंशंस हमको पता है, इट इज गिवन हियर एक्स,
has dimensions of length. So we know this dimension. अब यहाँ से हमने क्या application किया? That dimensions of all the terms are same. अगर इसकी dimension length है, तो हर एक की dimension क्या होनी चाहिए? Length. So it has the dimensions of length. This now this also has the dimensions of length. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनियटी. अब इससे ए बी सी डी का कैसे पता लगेगा? तो पहला लेते हैं, ये हमको पता लग गया ए हैज डायमेंशंस ऑफ एल. दिस इज अवर आंसर वन. आंसर टू देखिए, बी इंटू टी हैज डायमेंशंस ऑफ एल. नाउ इन दिस बी डायमेंशंस हमको नहीं पता, वी डोंट नो. टी की डायमेंशन हमको पता है, टी. नाउ दिस इज एल. सो बी हैज डायमेंशंस ऑफ एल डिवाइडेड बाय टी. एल टी माइनस वन. दिस इज डायमेंशन ऑफ बी. थर्ड देखिए, सी टी स्क्वेयर, डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वेयर, ये भी कितनी होनी चाहिए? एल. डायमेंशन ऑफ एल. दिस इज डायमेंशन ऑफ सी. डायमेंशन ऑफ टी स्क्वेयर, टी स्क्वेयर. दिस इज डायमेंशन ऑफ लेंथ. ओके, नाउ इफ दिस इज डायमेंशन ऑफ लेंथ, देन डायमेंशंस ऑफ सी आर इक्वल टू एल टी माइनस टू. टी प्लस टू है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस टू. एल टी माइनस टू. सो सी हैज ए डायमेंशन एल टी माइनस टू. दिस इज अवर आंसर फॉर सी. ओके, नाउ अब इसमें सबसे स्ट्रेंज हमको ये दिखता है, डी अपॉन ई माइनस टी की डायमेंशन एल है, तो डी की डायमेंशन क्या होंगी और ई की डायमेंशन क्या होंगी? तो देखिए इसे किस तरह से सॉल्व करना है. इसको हम पहले इस पर ध्यान देते हैं, ई माइनस टी. ये टी क्या है? दिस टी हैज ए डायमेंशन ऑफ टाइम. और यहां पर हम एक चीज याद करते हैं, होमोजीनियटी प्रिंसिपल, ये अपने आप में एक नोटेशन है. होमोजीनियटी प्रिंसिपल हमको और क्या सिखाता है कि अगर आपको दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करना है तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए. यू कैन नॉट ऐड 5 meter ऑफ लेंथ विथ 2 kilogram ऑफ मास. वी कैन नॉट. अगर हमने 5 + 2 किया है, 5 meter + 2, तो ये 2 भी क्या होगा? मीटर लेंथ होगा, तभी ऐड होगा, नहीं तो नहीं हो सकता. राइट. सो इससे हमको ये पता लगा है कि अगर इस इक्वेशन में e में से t के साथ हमने सब्ट्रैक्शन किया है, e और t, तो e की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? वही होंगी जो t की डायमेंशन है. अदरवाइज E और T आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, बट अवर फिजिकल इक्वेशन सेज दैट देयर इज ए सब्ट्रैक्शन. अगर E माइनस T दिया है, ये तभी पॉसिबल है जब E की डायमेंशन T के बराबर होंगी. तो ये हमारा सॉल्यूशन किसका आया? E. E माइनस T इंडिकेट्स दैट E हैज डायमेंशंस ऑफ of t, that is t. तो ये हमको e की डायमेंशन पता लग गई, e की डायमेंशन, t की डायमेंशन. अब नीचे टाइम माइनस टाइम, आंसर क्या आएगा? टाइम. टाइम माइनस टाइम जीरो हो जाएगा, ऐसा मत सोचिए. 20 rupees minus 15 rupees is 5 rupees.
10x माइनस 3x इज इक्वल टू 7x, x गायब नहीं हो रहा है। इसी तरह से 20 सेकेंड टाइम माइनस 5 सेकेंड टाइम इज 15 सेकेंड टाइम। डायमेंशन कैंसल नहीं होती माइनस से, माइंड इट, मल्टीप्लाई और डिवाइड से डायमेंशन कैंसल आउट होगी, लेकिन माइनस और प्लस से डायमेंशन कैंसल आउट नहीं होती। अलजेब्रा में हमने पढ़ा है, लाइक 15x डिवाइडेड बाय 5x, हियर x इज कैंसल्ड, दिस 3 इज विदाउट x, बट इफ वी हैव 15x माइनस 5x, देन 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10, बट x विल रिमेन देयर। ये रूल सबने पढ़ा हुआ है। तो जब हम माइनस और प्लस करते हैं तो ये डायमेंशन उसकी रहेंगी, जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं इट मे बी कैंसल्ड आउट, इट मे बी बिकमिंग स्क्वेयर, ओके, उसकी पावर चेंज हो जाएगी। यही चीज डायमेंशन में भी एप्लीकेबल होती है। तो यहां हमने माइनस किया तो डिनोमिनेटर की डायमेंशन अभी भी टाइम है। अगर इसकी डायमेंशन टाइम है तो ये क्या है, डी अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम, डी अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। ये पूरी टर्म, इसकी डायमेंशन क्या है, इस पूरे टर्म की डायमेंशन एल है। सो वी राइट दिस एज द डायमेंशन ऑफ एल। नाउ व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ डी, सो डायमेंशन ऑफ डी दिस इज, ये टी को इधर ले जाते हैं, सो दिस इज एल मल्टीप्लाइड बाय टी, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय टाइम, दीज आर द डायमेंशन ऑफ डी। सो दिस इज अवर आंसर नंबर 4, 5, वट एवर इट इज। सो इन दिस वे वी गॉट द डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी। इसी क्वेश्चन को और मैनिपुलेट किया जा सकता है, इफ दिस इज द रिलेशन गिवन देन वट आर द डायमेंशन ऑफ ए बी, डायमेंशन ऑफ ए बी, वट आर द डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी, दैट इज नो प्रॉब्लम। ए की डायमेंशन लीजिए, बी की डायमेंशन लीजिए, ए और बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू गेट द डायमेंशन ऑफ ए बी। ए की डायमेंशन लीजिए और बी की डायमेंशन लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए, ये। इसी तरह से कोई भी रिलेशन हम इसको मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, एंड दिस इज समटाइम्स आस्क्ड फ्रॉम अस, एंड दैट इज द सेकेंडरी स्टेप ऑफ दिस, ओके। सो दिस वाज एन एग्जांपल हाउ वी अप्लाई दिस रिलेशन। ये एक क्वेश्चन देखिए, द वेलोसिटी वी ऑफ ए वेव प्रोड्यूस्ड इन वाटर डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ लैम्डा, डेंसिटी ऑफ वाटर डी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, दीज क्वांटिटीज आर रिलेटेड एज। ये हमको चार रिलेशन दिए हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट रिलेशन। तो आप इसमें क्या लगाना पसंद करेंगे, आंसर है We will apply which formula is correct. So that is test for correctness of the formula using dimensions. तो इसमें dimensions से हम निकालेंगे कि कौन सा formula इसमें से correct है। तो इसमें quantity है कौन कौन सी और उसकी dimension क्या होती है, पहले उसको note कर लेते हैं। तो देखिए, first quantity is velocity. Velocity v. तो v की डायमेंशन क्या होती है, लिख लेते हैं v की डायमेंशन एल टी माइनस 1। वेव लेंथ लैम्डा, लैम्डा की, लैम्डा इज वेव लेंथ, इसमें देखिए वर्ड आया है लेंथ, लेंथ है इसलिए l, डेंसिटी डी, डी डी की डायमेंशन, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज एम एल माइनस 3, ये भी हम लोग कर चुके हैं, राइट। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज एल टी माइनस 2, बिकॉज दिस इज एक्सेलरेशन।
ओके, ये हमने नोट कर लिए। अब इसमें करते हैं फटाफट, ये वी स्क्वेयर ए को हमने चेक किया, चेक ए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, v इज एल टी माइनस वन, उसका स्क्वेयर करिए, एल टू टी माइनस टू, ये लेफ्ट हैंड साइड है। आर एच एस देखिए इसका क्या आएगा, k इज डायमेंशनलेस, छोड़ दीजिए, लेमडा, लेमडा इज लेंथ, लेंथ टू द पावर माइनस वन, जी जी इज एल टी माइनस टू और इसकी पावर क्या करनी है, माइनस वन, एल टी माइनस टू और इसकी पावर माइनस वन, डी डेंसिटी एम एल थ्री, एम एल माइनस थ्री और इसकी पावर क्या करनी है, माइनस वन, माइनस वन। एक स्टेप इसको और ले लीजिए, एम एम टू द पावर माइनस वन, एल सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एल की पावर माइनस वन, माइनस वन, माइनस टू हो गया, माइनस टू इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस वन इज प्लस थ्री, माइनस टू प्लस थ्री इज इक्वल टू प्लस वन, वन टी माइनस टू इंटू माइनस वन इज प्लस टू, एम माइनस वन, एल वन टी टू। ओके, वी वी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस वन, तो वी स्क्वायर की क्या हुई, ये दिस इज व्हाट वी स्क्वायर, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड, क्या ये दोनों मैच करती है, आंसर है नो, मैच नहीं करती, इसलिए रॉन्ग आंसर। नाउ वी गो टू बी, ये एक मेथड है, ये आपसे एक की बजाय चार एक्सरसाइज करवा सकते हैं। बी देखिए, वी स्क्वेयर, तो हर एक में क्या है, वी स्क्वेयर, इसका मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमेशा एल टू टी माइनस टू ही रहेगा, हम सिर्फ राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते जाते हैं। अब इसमें देखिए, के लेमडा जी, के नो डायमेंशन, लेमडा लेमडा क्या है, लेंथ एल, जी एल टी माइनस टू, सो दिस इज एल टू टी माइनस टू, एल टू टी माइनस टू, एल टू टी माइनस टू, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ये मैच हो गया, कौन सा, बी, सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी। बाकी भी चेक कर कर देख लीजिए, लेमडा जी के साथ डी लग गया, लेमडा जी के साथ डी लग गया, डी में क्या आ जाएगा, डेंसिटी में मास, और इसमें मास नहीं है, इसमें मास नहीं है तो मास लगा, इसलिए ये भी गलत हो गया, रॉन्ग। इन दिस ऑल्सो वी आर हैविंग डी एंड डी इज हैविंग ए मास, सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, जिस जिस में डी है उस डेंसिटी में मास है, इट इज नॉट करेक्ट। अगर अब आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप इसको पूरा सॉल्व भी नहीं करेंगे, ये अगर कॉम्पिटिटिव में होता है, आपको टाइम सेव करना है, तो आपको एक चीज़ समझ में आती है इनको लिखने के बाद, इतना ही हम लिखते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारे हर क्वेश्चन में वी स्क्वेयर है और वी स्क्वेयर में मास नहीं है, तो जिसमें मास है उसको हम कैंसिल कर देंगे, इसमें मास है, इसमें मास है और इसमें मास है, सो दीज थ्री आर रॉन्ग, दिस इज विदाउट मास, इसको हमने चेक किया एंड वी फाउंड इट इज करेक्ट, इस तरह से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज वन एप्लीकेशन, ये उसका है जो हमने किया, फाइंड आउट द करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशनल मेथड। थैंक यू।